भैया ये आज हम पढ़ेंगे द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी एक बॉय और उसके नेचर के बदलने की कहानी है। हाउ लव कैन चेंज अ पर्सन्स हैबिट। इन दिस स्टोरी द राइटर रिवील्स दैट वी कैन चेंज द फीलिंग ऑफ अ पर्सन बाय गिविंग हिम रिस्पेक्ट, गिविंग हिम अफेक्शन एंड बाय मेकिंग अ ट्रस्ट ऑन हिम। रीड एंड फाइंड आउट। अब देखिए यहाँ पे शुरू में दिया गया है, अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल्स, अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। यहाँ पर दिया गया है कि एक यंग बॉय मेक फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय बनता है फ्रेंड अनिल का, अनिल उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है, उसको रोजगार देता है, और क्या अंत में वो लड़का अनिल को धोखा दे के जाएगा। तो रीड एंड फाइंड आउट, ये जो तीन क्वेश्चन है। तो आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरी सक्सेसफुल हैंड। मैं तब भी चोर था जब मैं अनिल से मिला एंड दो आई वॉज ओनली 15, मैं चूंकि केवल 15 साल का था, मेरा हाथ बहुत ही साफ था। किसमें साफ था ये आपको आगे पता चलेगा। साफ भी था और अनुभवी भी था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच वेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल देख रहा था एक रेसलिंग मैच जब मैं वहाँ पहुँचा। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था, टॉल था, लीन फैलो था, पतला दुबला व्यक्ति था एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। और वो दिखने में ऐसा लगता था कि लापरवाह है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। काइंड मीन्स दयालु ही था, सिंपल मीन्स सादगी से भरा हुआ था, जैसा ठीक मैं अपना शिकार ढूंढता था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। अब देखिए यहाँ हैड नॉट हैड दो बार आया है, तो पहला हैड नॉट है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैड दिखा रहा है पोजिशन कि मैं नहीं रखता था इतना अच्छा लक एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैंस कॉन्फिडेंस, कि मैं तुरंत ही चला जाऊंगा उस यंग मैंस को अपने कॉन्फिडेंस में ले लूंगा। इतना तो भरोसा मुझे नहीं था अपने आप पे, फिर भी मैं गया और बोलना शुरू किया। तो मैंने उससे जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा ये कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। आई सेड आई लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी मीन्स होता है चापलूसी। तो मैं चापलूसी एक चीज़ में बताऊँ, उसने कहा कि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो थोड़ी सी चापलूसी होती है उससे दोस्त जल्दी बनते हैं, दोस्त नहीं बनते हैं एक्चुअली मालिक बनते हैं। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, उसने कहा कि आप तो खुद ही रेसलर जैसे दिखते हैं, सो डू यू। और उसने जो रिप्लाई दिया था विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। उसने जो मुझे रिप्लाई दिया उससे मैं एक मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि मैं एकदम स्किनी था, एकदम हड्डी और खाल, मांस नाम की मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं थी। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, लेकिन मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मैंने थोड़ी बहुत रेसलिंग की है। वॉट इज़ योर नेम, मैंने उससे कहा। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, पीछे के मालिकों से और आगे आने वाली पुलिस से मुझे मेरे बदलते हुए नाम बचा के रखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इसके बाद हमारी बातें होने लगी, जो अच्छे से ये मालिश किए हुए जो पहलवान थे, जो गुर्रा रहे थे, उठा रहे थे, पटक रहे थे, फेंक रहे थे एक दूसरे को, इधर से उधर, उधर से इधर। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड क्लोजली कैजुअली। मैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के उसके पीछे पीछे चलता गया। जब अनिल आगे बढ़ गया, हेलो अगेन ही सेड। I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. मैंने उससे कहा कि मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उससे अपनी सबसे अच्छी मुस्कुराहट प्रदान की, सारी खीसें निपोड़ दी उसके सामने। एंड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने उससे कहा कि भैया मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। उसने कहा बट आई कॉन्ट पे यू, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, पर हैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन। आई आस्क्ड यू कैन यू फीड मी,
तो उसने कहा कि एक मैंने एक मिनट सोच के उससे पूछा कि शायद मैंने गलत आदमी पकड़ लिया है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उसने पूछा, क्या तुम पका सकते हो? तो मैंने कहा, आई कैन कुक। आई लाइड अगेन। मैंने कहा, हाँ मैं पका सकता हूँ। तो उसने कहा, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। इट टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बॉल्कनी। वो मुझे लेके गया अपने कमरे में जो जमुना स्वीट शॉप के ठीक ऊपर था, और उसने कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव टू इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस रात जो मैंने खाना बनाया था, निश्चित रूप से भयानक खाना बना होगा, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन मैं आसपास घूमता रहा, टहलता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। मैं उसके आसपास घूमता रहा, मुस्कुराता रहा, खीसे निपोरता रहा, और अंत में उसकी भी खीसे निकल आई, हंसने लगा। और फिर उसने लेटर ही पैटेड मी ऑन माई हेड। उसने मेरे सर पर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, ही हैड टीच मी टू कुक। वो मुझे खाना पकाना सिखा देगा। ही टॉल्ट ऑल्सो मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर। उसने मुझे अल्फ़ाबेट लिखना सिखाया और उसने मुझसे कहा कि जल्द ही वो पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना मुझे सिखा देगा और साथ साथ नंबर जोड़ना भी। आई वॉज ग्रेटफुल। मैं आभारी था उसका। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। उसने मुझसे कहा कि मैंने अपने आप से सोचा कि अगर मैंने एक बार सीख लिया एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना, पढ़ना, बोलना, तो वट वुड आई अचीव, इट कुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ लिमिट। किसी भी तरह की सीमा नहीं बचेगी जो मैं कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। मेरे पास अनिल के लिए, अनिल का जो काम मैं करता था मेरे लिए बड़ा मज़ेदार था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, यूजली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपी अ डे। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना वास्तव में बहुत बढ़िया था। आई मेड द टी इन मॉर्निंग। मैं सुबह चाय बनाता था, ठीक है, दोपहर में डे सप्लाईज लेने जाता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट 1 रुपी डे। 1 रुपये प्रतिदिन मैं उससे बचा लेता था हेरा फेरी करके। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसे पता रहता था कि मैं कुछ पैसे बचा लेता हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। लिख पढ़ के वो पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लेंड द नेक्स्ट। एक हफ्ते वो उधार लेता था, दूसरे हफ्ते वो चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो अपने नेक्स्ट पेमेंट के लिए इंतजार करता रहता था, इंतजार करता रहता था, और लेकिन जैसे ही चेक आता था वो तुरंत कैश करा के उसे लेके मजे उड़ाने चल देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन। मुझे लगता है कि वो मैगजीन के लिए लिखता है। अ क्वीर वे ऑफ मेक अ लिविंग। अजीब संसाधन था पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक ऑफ टू अ पब्लिशर। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। कि एक दिन जब वो घर आया तो उसके पास नोटों के बंडल थे। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। उसने एक बुक खरीदी, बुक बेची है पब्लिशर के लिए। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसे देखा कि उसने मनी मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर ओनली फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, खरीदारी करने के अलावा अगर कहीं इसको चीट करने का मौका मुझे मिला होता तो मैंने अभी तक नहीं किया। ऐसा मेरा लाइन नहीं था, क्योंकि
कि मैंने अभी तक उसे कहीं बड़ा चूना नहीं लगाया था एक आध रुपये का छोड़ के। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर चूना लगाने का हर साधन था। अनिल ने मुझे एक चाबी दे रखी थी और मैं कभी भी आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब इसको आज यहीं पे फुल स्टॉप रखिए, अब बाकी का हिस्सा हम कल पढ़ते हैं। थैंक यू।